आपने क्या सीख ली भगवान राम से? भगवान राम ने अपने कर्तव्य के लिए, मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ मगर इतनी सीख मैं भी रखता हूँ क्योंकि मेरे बड़े बूढ़े मुझे बताते हैं, गीता मैं भी पढ़ता हूँ। आप पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, भगवान राम ने अपने कर्तव्य के लिए अपनी खड़ाव भी छोड़ दी थी, गद्दी अपना सिंहासन भी छोड़ दिया था, तो ये लोग कहाँ से आते हैं और भगवे कपड़े को बदनाम कर रहे हैं? ऐसे लोगों पर बिल्कुल इनका कंडम करना चाहिए और इन पर पाबंदी लगानी चाहिए। ठीक है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से दंगों से कैसे बचा जाए? देखिए यहाँ पे भी जो है माहौल जो है वो पूरा गरमाया हुआ है, चारों तरफ जो है भगदड़ और आपाधापी का माहौल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ नलिनी। जिस प्रकार से बहराइच में हिंसा हुई, एक हिंदू लड़का दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान एक मुस्लिम समुदाय के घर पर चढ़ा, उसने हरा झंडा फाड़ा और भगवा झंडा लहराया, जिसके बाद से हिंसा जो है उस पूरे क्षेत्र में फैल गई और लगातार अब जो है इस पूरे मामले में नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं हिंदुस्तानी जी, मेहताब हिंदुस्तानी जी। मेहताब जी, बहराइच में जिस प्रकार से हिंसा हुई उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं एक शेर के साथ अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि मुझ में हज़ार खामियाँ हैं, माफ़ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो साफ़ कीजिए। ये जो बहराइच में जो भी मसला हुआ है, दंगा हुआ या गोपाल मिश्रा की जान गई और उसमें मुस्लिम दो लड़कों का भी इनकाउंटर हुआ है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे यूपी की पुलिस क्या कर रही थी? और रही बात, जब कोई धार्मिक यात्रा होती है तो उसमें धार्मिक भजन बजाए जाते हैं, और ना कोई पॉलिटिकल गाने या किसी तरह के किसी को उकसाने के लिए कोई गाने चलाए जाते हैं, और जब धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी तो वो मुसलमान के घर पर क्या कर रहे थे? देखिए, 91 एक्ट के उससे हमें अधिकार देता है कि अगर मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ और मैंने अपना धार्मिक झंडा अपने घर पे लगाया हुआ है, तो ये अधिकार नहीं है कि मैं किसी का झंडा उतारकर अपना धार्मिक झंडा लगा दूँ, क्योंकि ये आज़ाद देश है। तो उसको किसने अनुमति दी कि उसने एक मुसलमान धार्मिक झंडे को उतारकर भगवा झंडा लगा दिया? और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो उसे उकसा रहे थे, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वो भी किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पति था। जो उसके साथ हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा गलत हुआ है, वो मेरा भी भाई है, मगर ये लोग हैं कौन जो इस चीज़ को दर्शा रहे हैं? आखिरकार सारी यात्राएं मुस्लिमों के घर पर क्यों रुकती हैं जाकर? अच्छा, मस्जिदों के सामने क्यों रुकती हैं? भाई, मैं भी अपने त्यौहार मनाता हूँ, मुहर्रम मनाता हूँ, ईद मिलादुन्नबी हमारे यहाँ मनाई जाती है, तो हमारे त्योहारों में ऐसा क्यों नहीं होता? मंदिरों के सामने तो सवाल है ना, हिंदू समुदाय भी यही कह रहा है ना कि भैया मुहर्रम के जुलूसों में क्यों नहीं ये सब होता है? आखिर जब हिंदू यात्राएं निकलती है तभी ये सब क्यों होता है? क्यों पत्थरबाजी की जाती है? देखिए, मैं सच बोलता हूँ और सच जो है वो कड़वा होता है। पत्थर फेंकने वाले भी इन्हीं के लोग हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमारे देश को 10 साल में आरएसएस ने हाईजैक कर लिया है। हर विभाग में, हर समुदाय में आरएसएस घुसा हुआ है, और अभी उपचुनाव जो है काफी करीब हैं, आपने सुना भी होगा बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, और उसका फायदा कौन लेता है? नेता। मरता कौन है? आम जनता। नुकसान किसका होता है? आम जनता का। अच्छा, आप एक बात बताओ, जो नुकसान हुआ है वहाँ चाहे हिंदुओं के घर जले हों, मुस्लिमों के घर जले हों, उसका खामियाजा, उसका भुगतान कौन भरेगा? जिनकी कारें उनके घर जला दिए गए, अगर वो जान बचा के नहीं भागते तो उनको भी जला दिया जाता। अब बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है, घरों को चिन्हित कर लिया गया आरोपियों के, और बाबा के बुलडोजर से कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल करिए कार्रवाई। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हाँ। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने हाँ। जो गलत किया है, बुलडोजर की कार्रवाई करिए। मैं कह नहीं रहा बुलडोजर की कार्रवाई मुंबई में भी करिए जाकर। जो बाबा सिद्दीकी, वो भी किसी के पति थे, वो भी किसी के भाई, वो भी किसी के बेटे थे,
उनका भी इनकाउंटर करिए जाकर। फिर एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है, एक समुदाय को टारगेट क्यों किया जा रहा है और ये 10 साल के बाद ही हो रहा है। फिर आप कहोगे कि ऐसी बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ टारगेट कर रहे हैं। तमाम आरोपियों में 20 मुस्लिमों के नाम आए हैं, तो 3 हिंदुओं के घरों पर भी तो जो है लाल निशान लगाया गया, उनके घर को भी बुलडोज किया जाएगा और पीडब्ल्यूडी ने किया है। आप लोग यूं ही योगी को जो है बदनाम कर रहे हैं। अच्छा इतने जो उपरवधि थे जो दंगाई थे उनमें सिर्फ 3 ही हिंदुओं के नाम आए, बाकियों को ढूंढा जा रहा है ना सर। अच्छा मुस्लिमों पर बहुत जल्दी कार्रवाई होती है, समझ रहे हैं आप, मुस्लिमों पर बहुत जल्दी कार्रवाई होती है। जो गोपाल मिश्रा को उकसाया है उन पर कार्रवाई करिए। आखिरकार ये नौबत क्यों आई, आप क्यों चढ़े दूसरे के घर, आपको किसने अधिकार दिया दूसरे के घर पर चढ़कर उसके धार्मिक झंडे को अपना। क्या कोई भगवान कोई देवी देवता कहता है कि किसी के धर्म के झंडे को उतार कर आप अपना झंडा लगाइए। अच्छा धार्मिक यात्राएं जब निकलती हैं तो भजन कीर्तन होना चाहिए, लाउड स्पीकर्स पे ऐसे गाने क्यों बजाए जा रहे थे जो कि दूसरे धर्म को आहत करें, दूसरे धर्म को जो है वो भड़काने वाला काम करें, कितना सही है इस प्रकार के गानों का बजना। देखिए इसके जिम्मेदार मैं योगी आदित्यनाथ जी और जो यूपी पुलिस है और गृह मंत्री अमित शाह जी को ठहराता हूँ। हमें तो मस्जिद पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उस पर पाबंदी लग रही है, फिर कहोगे फिर ऐसी बात करता है। और ये लोग डीजे बजा रहे हैं उस पर गालियों वाले गाने बज रहे हैं, मुस्लिमों को उकसाया जा रहा है। अगर कोई अपना बचाव करे तो फिर कहते कि ये उग्रवादी और आतंक काट रहे हैं। अगर आपके मैं एक मारूंगा दो मारूंगा तीसरी बार तो पलट के मार ही दोगे आप मेरा। अच्छा मार दोगे ना तो मैं अपना बचाव करूंगा नहीं करूंगा, आप अपना बचाव करोगी नहीं करोगी तो फिर मुसलमान बचाओ में किसी को गोली मार देंगे। मुसलमान के घर जाकर मुसलमान के मस्जिदों के सामने जाकर उन्माद क्यों कर रहे हैं ये लोग। ये इस वक्त देश में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और ये नुकसान किसका हो रहा है, आम जनता का, सरकार की प्रॉपर्टी का। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा और नीति यही है के फूट डालो और राज करो। लीजिए फिर आप भारतीय जनता पार्टी को बीच में लाए, भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है इस पूरे दंगे में, बार बार आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का घेराव करते रहते हैं, अखिलेश यादव भी जो है पूरा ठीकरा भाजपा के ऊपर फोड़ रहे हैं। मेरी है वहाँ सरकार, सरकार मेरी है वहाँ, वहाँ मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है या अखिलेश यादव की या कांग्रेस पार्टी की है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसका जिम्मा बनता है भाई, योगी आदित्यनाथ जी का जिम्मेदारी बनती है ना, फिर क्या कर रहे हैं हमारे देश के। योगी जी तो कहते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर जो है 2013 के बाद ही सुधर गया है पूरी तरीके से। देखिए इस वक्त 10 साल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो चुका है, बिगड़ चुका है, अपराधियों के हौसले क्या बात कर रहे हैं, बेहतर हो गया है, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। देखिए बुलडोजर चल जाता है सड़कों पर। आप मेरी बात सुनिए, आप पत्रकारी कम भाजपा की प्रवक्ता ज्यादा। मैं बिल्कुल प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो फैक्ट्स बता रही हूँ मेहताब जी, मैं तो फैक्ट्स बता रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ जो हेडलाइन में छपता है, जो प्राइम टाइम में दिखाया जाता है मेनस्ट्रीम मीडिया द्वारा। वापिस आ चुका है माफिया राज, वापिस आ चुका है, एक जेल में बैठा बैठा सबको धमकी दे रहा है और मर्डर भी करा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि माफिया राज खत्म हो गया, कैसी बात कर रही हैं आप, थोड़ा सा साइड में आ जाइए इस तरफ। आप कह रही है कि माफिया राज खत्म हो चुका है, साइड में जी, माफिया राज बढ़ चुका है। आप कह रहे हैं कि माफिया राज जो है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है, लेकिन योगी जी कहते हैं और संपूर्ण भाजपा कहती है कि भैया हमारे आने के बाद यूपी में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है सबसे सुरक्षित हो चुका है, कहते हैं अखिलेश सरकार में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, जितना मैं मोहम्मद साहब का सम्मान करता हूँ इतना भगवान श्री राम का भी सम्मान करता हूँ, क्या मुझे कोई हक है किसी धर्म को बुरा कहने का। आपकी आस्था आपके साथ है, मेरी आस्था मेरे साथ है। तो ये जो लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं, चाहे उसमें पैगंबर हो या कोई देवी देवता हो, जैसे नरसिम्हा नंद ने एक बयान दिया है मोहम्मद साहब के लिए, वैसे तो ये पॉलिटिकल कोई धरना नहीं था, आपने ये राजनीति की बात की, मैंने राजनीति की बात की, वैसे बिल्कुल राजनीति की बात करने नहीं आया था, जो मैं इस वक्त आया था सिर्फ जो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनके लिए आया था। क्या ऐसे बयान देने चाहिए बेतु के बयान, आपने क्या सीख ली भगवान राम से। भगवान राम ने अपने कर्तव्य के लिए, मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ मगर इतनी सीख मैं भी रखता हूँ क्योंकि मेरे बड़े बूढ़े मुझे बताते हैं, गीता मैं भी पढ़ता हूँ, आप पढ़ते हो या ना पढ़ते हो मैं पढ़ता हूँ। अच्छा भगवान राम ने अपने कर्तव्य के लिए अपनी खड़ाऊँ भी छोड़ दी थी,
गद्दी अपना सिंहासन भी छोड़ दिया था, तो ये लोग कहाँ से आते हैं और लोगों इन लोगों को आखिरकार हिम्मत देता कौन है, कौन देता है? देखिए मेहताब हिंदुस्तानी जी हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन राम को समझते हैं और राम की बात कर रहे हैं। लेकिन हिंदू पक्ष तो लगातार कहता है कि हिंदू खतरे में है, आप लोगों के चलते खतरे में है। देखिए हाँ। वो लोग ना ही संत हो सकते हैं और ना ही महंत हो सकते हैं जो देश को भड़काना चाहते हैं, देश में भड़काऊ भाषण बोलकर आग लगाना चाहते हैं। वो फकीर संत हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ एक राजनीति को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों पर मैं आपके कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं कि हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उनको, और हमेशा हमेशा के लिए ऐसे लोगों के बयानों पर बैन लगना चाहिए जो कि देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। अरे मोहम्मद साहब को क्या समझोगे आप उनको पढ़िए और समझिए क्या नाम है मोहम्मद साहब। वो नाम है मोहम्मद साहब जिनको कोई किसी चीज़ का मोह माया का कोई लालच नहीं है। उन्होंने हमेशा इंसानियत का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि जब वो अपने रास्ते से, अपनी गली से निकलते थे तो एक गैर मुस्लिम जो माता थी उन पर रोज कूड़ा फेंका करती थी। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, जब वो चौथे दिन निकले जा रहे थे, जब उन पर कूड़ा नहीं फेंका गया तो उन्होंने पूछा पड़ोसियों से कि आज वो माता कहें जो उस पर कूड़ा फेंकती थी। वो है मोहम्मद, आप उनको समझिए। जब वो उनके घर गए, उनकी खैरियत ली, वो है मोहम्मद। तो ये लोग, मैं कह रहा हूँ ना, ये संत साधु हो ही नहीं सकते। ये लोग वो हैं जो सिर्फ भगवा कपड़ा ओढ़ कर भगवे कपड़े को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर बिल्कुल इनका कंडम करना चाहिए और इन पर पाबंदी लगानी चाहिए। ठीक है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से दंगों से कैसे बचा जाए? देखिए यहाँ पे भी जो है माहौल जो है वो पूरा गरमाया हुआ है, चारों तरफ जो है भगदड़ और आपाधापी का माहौल है, कैसे इस प्रकार के माहौल से बचा जाए? साथ ही साथ जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि बहराइच में जिस तरीके की घटना हुई, उस तरीके की घटना से कैसे बचें? देखिए मेरा मैसेज जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मिलकर भाई भाई, कोई भी किसी तरह का कोई भी नेता हो, कोई भी किसी के बहकाए में ना आए और संयम बरतें, क्योंकि ये आपको लड़ाकर, भाई से भाई को लड़ाकर ये अपनी सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं। आप हमें एक जगह रहना है, मिलजुल कर रहना चाहिए और इस खूबसूरत भारत को जो ये हमारा चमन है, आप इसको ऐसे ही बरकरार रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब हिंदुस्तानी जी, आपका हमारे साथ बातचीत।